बीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की एक सीरीज ओपन करने जा रहे हैं और आज इस सीरीज का पहला दिन है। और आज का जो टॉपिक है वो है बिजी सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे और बिजी सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। ये तीन चीज आज की डेट में हम लोग को कवर करना है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और कंपनी कैसे बनाना, ये सब चीज आज की डेट में हमको देखना है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए जो हमारे पास पहले से सॉफ्टवेयर था उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हटाना हो तो हमें दिस पीसी में जाना होता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल। और अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे आने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो बीजी पहले से इंस्टॉल है हम सबसे पहले उस बीजी को हटा दें। ये हमने कर दिया बीजी को सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल। ऐसा इसलिए करें जिससे आप लोग इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से सीख सके। तो ये पुराने सॉफ्टवेयर को हम हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्रोम ब्राउजर पर आना है और यहाँ पे सर्च करना है बिजी विन। बिजी विन डाल के आप सर्च कर दीजिए बस। जैसे गूगल पे बिजी विन सर्च करेंगे सबसे पहले साइट खुलेगी बिजी डॉट इन। तो बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ये ऑफिशियल साइट है बिजी डॉट इन। तो आपको गूगल पे चाहे बिजी डॉट इन डाल के सर्च कर लीजिए, चाहे बिजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड डाल के सर्च कर लीजिए, लेकिन साइट आपको ओपन करना है बिजी डॉट इन, यह इसकी साइट। और इस वेबसाइट से जाके आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब ये सॉफ्टवेयर भी टैली की तरह डबल वर्जन में आता है, एक हमारा इसका जो लाइसेंस वर्जन होता है और दूसरा हमारा होता है ट्रायल वर्जन। तो सीखने के लिए हम लोग ट्रायल वर्जन का यूज करेंगे, बाकी जब आप रियल में कहीं काम करने जाएंगे तो आपको जो है वहाँ रजिस्टर्ड वर्जन मिलेगा। दोनों वर्जन के सारे फीचर्स सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि जो ट्रायल वर्जन होता है उसमें केवल 1 महीने की एंट्री सेव होती है और जो रजिस्टर्ड वर्जन होता है उसमें पूरे साल की एंट्री सेव होती है। बाकी एंट्री करने का मेथड, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, ये सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको गूगल पे सर्च करना है बिजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ये सबसे पहले साइट खुलेगी बिजी डॉट इन डाउनलोड और यहाँ पे आपको बिजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा डाउनलोड बिजी 21। और 21 में जो सबसे लेटेस्ट सीरीज दिखाई देगी वो है आपका 10.4। बात समझ में आ रहा ना, बिजी 21 का रिलीज 10.4 इसका सबसे लेटेस्ट रिलीज है आज की डेट, ठीक है। और हम यहाँ से डाउनलोड बिजी वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ करेंगे डाउनलोड बिजी वाले ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ आपसे कुछ डिटेल आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे भरेंगे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे भरेंगे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे अपनी सिटी डाल देंगे, ठीक है। और भरने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा। ये देखिए लिखा है सेटअप 21 वर्जन 10.4.zip। ये सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होता है वो जिप फॉर्मेट में होता है। जिप मतलब कंप्रेस फॉर्मेट में, जी मतलब क्या कंप्रेस फाइल में होता है, ठीक। कंप्रेस फॉर्मेट इसलिए यूज किया जाता है जिससे फाइलों को इजीली डाउनलोड किया जा सके और इजी से उसको यूज किया जा सके। अब ऐसी फाइलों को रीड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं विनरार। क्योंकि ये जो बीजी हमने डाउनलोड किया ना ये बीजी जिप फॉर्मेट में, तो जिप फॉर्मेट के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा विनरार। जैसे विनरार आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि कौन से वर्जन का डाउनलोड करना चाहते हैं। आपके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो 32 बिट का या फिर 64 बिट का, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का। इसको चेक करने के लिए विंडो डी से आप मिनिमाइज करिए और मिनिमाइज करने के बाद दिस पीसी पर राइट क्लिक करके जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 32 बिट और 64 बिट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 64 बिट, यानी आपका सिस्टम कैसा है 64 बिट का। तो सॉफ्टवेयर आपको तो कौन से डाउनलोड करना चाहिए 64 बिट का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 64 बिट का सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो बीजी को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में विंडार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। पहले विंडार को इंस्टॉल करेंगे देन बीजी को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बीजी का जो सॉफ्टवेयर है वो जिप फॉर्मेट में है
और जिप फाइलों को रीड करने के लिए हमें विनरार सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। या तो आप विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए या फिर विनजिप को डाउनलोड करिए, और एक 7Z के नाम सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक को करना था। ठीक है, बस में आ रहा ना। विनरार की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो सेटअप हमने डाउनलोड किया है ये जिप फॉर्मेट में है, और इन जिप फाइलों को रीड करने के लिए हमें विनरार सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम विनरार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। कैसे इंस्टॉल करेंगे? हम यहाँ पे शो इन फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम यस के ऑप्शन पर जाएंगे, और यस के ऑप्शन पे जाने के बाद हम इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, और ये विंडार सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल। ठीक है, और विंडार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद अब हमें बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो जैसे सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा सेटअप डॉट exe। आपको यहाँ पर भी डबल क्लिक करना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद एक नया विकल्प आपके सामने आएगा जहाँ से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते। तो आपको यही काम करना है, सबसे पहले काम आपको करना है विंडार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और फिर बिजी बिजी को इंस्टॉल करते समय आपको यस का ऑप्शन आएगा, और यहाँ आपको दिखाएगा बिजी 21 रिलीज 10.4। ठीक है, अब सावधानी आपको क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि डी ड्राइव में आपको बिजी इंस्टॉल करते समय आपको करना क्या है, आपको डी ड्राइव में बिजी बिन नाम से फोल्डर बना लेना। तो दिस पीसी में आ गए, और दिस पीसी में आने के बाद हम डी ड्राइव में फोल्डर बना लेंगे बिजी विन के नाम से। ठीक है, तो हम राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आ गए, एक फोल्डर पे आ गए, एक फोल्डर का नाम हमने दे दिया बिजी विन, हमने कर दिया इसका नाम बिजी विन। डी ड्राइव इसलिए सेलेक्ट किया गया ना क्योंकि सी ड्राइव मैक्सिमम फॉर्मेट होता रहता है, सी ड्राइव में आपके विंडोज का सेटअप होता है, और अगर सी ड्राइव में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे तो कभी विंडो करप्ट होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाएगा। बस में आ रहा ना, इसलिए हम उसको विंडोज से अलग रखना चाहते हैं कि हम डी ड्राइव में रखेंगे तो हमारा दोनों प्रोसेस क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ बिजी विन के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और इससे हमारा एक फोल्डर बन जाएगा, और फोल्डर बनने के बाद हमें उसी फोल्डर में अपने सॉफ्टवेयर को करना है इंस्टॉल। तो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। ये बताया गया है कि बिजी सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब चीज टर्म एंड कंडीशन में दे रखा है ना। ये 22 कंडीशन है, इनके सारे कंडीशन अपना आपको पढ़ना होगा, तो पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले बटन पे कर देना है क्लिक, एंड कर देना है नेक्स्ट। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, सी में बिजी विन के भीतर, और हमें इसे चेंज कर देना है। हम चेंज के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और सी के बजाय हम सेलेक्ट कर लेंगे डी ड्राइव, और डी ड्राइव में हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे बिजी विन। तो डी ड्राइव में जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ हमको बिजी विन सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करके हम कर लेंगे ओके, और ओके करने के बाद करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद कर देंगे इंस्टॉल। 2 मिनट का टाइम लेगा, ये सॉफ्टवेयर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। बस में आ रहा ना, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का ही तरीका है, इस माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल, और इसको हम करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद अब ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन। जब सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद यहाँ पे इस तरीके का स्क्रीन आएगा, और हम इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ एक मैसेज आएगा, ए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो। चूंकि सॉफ्टवेयर को हमने खरीदा नहीं है इसलिए क्या करेगा, डेमो मोड में वर्क करेगा। तो सीखने के लिए हम लोग पास डेमो मोड पर्याप्त है, हम यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद सबसे पहला काम करना है हमें कंपनी बनाना। ठीक है, तो हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन। ठीक,
या तो बस में आ गया। अब टैली का प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है ना, वही प्रैक्टिस सेट हम बीजी के लिए भी यूज करेंगे। जो टैली का प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है प्रिंट करके, जिसकी एंट्री कुछ दिन पहले आप लोगों ने किया, वही प्रैक्टिस सेट हम बीजी के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का इनवाइस मिल सकता है। आपको इसमें एंट्री करने सीखना है कि बीजी में हम इसका एंट्री कैसे करें, ठीक है। तो इसी एंट्री के साथ साथ हम कंपनी बनाना सीख जाएंगे, ग्रुप बनाना सीख जाएंगे, लेजर्स बनाने सीख जाएंगे, आइटम बनाने सीख जाएंगे, ये सब कुछ इसके साथ सीख जाएंगे। ये इनवाइस आपको मिला है, ये इनवाइस हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन करके समझा दिया कि यहाँ इनवाइस को जब भी आप उठा के देखेंगे तो आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे इनवाइस में सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन किसका है? ये इंफॉर्मेशन हमारे सप्लायर, बात समझ आ रहा ना? ये इंफॉर्मेशन किसका है? सप्लायर, यानी हमें ये सप्लायर का डिटेल दे रखा है, ये पूरा का पूरा डिटेल किसका है? सप्लायर, ठीक। और ये हमारी कंपनी की, यानी ये पूरी क्या है? कंपनी। और ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? कंपनी की दे रखी है। और यहाँ पर आप नीचे ध्यान देंगे कि आपका आइटम दे रखा है, उसका एक्सेल कोड दे रखा है, उसकी क्वांटिटी दे रखी है, यूनिट दे रखा है, प्राइस दे रखा है, सी जीएसटी का परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंट सी जीएसटी है, फिर जीएसटी का परसेंटेज दे रखा है, दोनों का अमाउंट दे रखा है यहाँ पर अगर। तो आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो किसी का इस तरीके का इनवाइस आपको मिलेगा, और उस इनवाइस की एंट्री अमाउंट सीखना। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हम बीजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर हमने ये देखा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे, इंस्टॉलेशन हमेशा खुद ही ड्राइव में करना चाहिए, जिससे इनके अगर सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट हो, खराब हो, तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत ना आए, विंडो करेंट कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? फ्री ड्राइव में इंस्टॉल। इसे समझा गया ना? ये प्रैक्टिकल सबसे बात है ना, पहले से बस उसी के लिए में बिजी नहीं थी अपने आना। अभी तो सही करना है, ये देखना पूरी कंपनी का डिटेल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है कंपनी का डिटेल है, और हमें इसी के आधार पे क्या करते हैं कंपनी बनानी। पैटर्न का डिटेल यहाँ दे रखा है, सेम इसी पैटर्न से हमें क्या करनी है, अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कंपनी बनाना, ठीक। तो सबसे फर्स्ट काम हमको कंपनी बनाना सीखना है। कंपनी बनाने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी का, ये देखिए कंपनी मेनू के भीतर क्रिएट कंपनी। आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा नेम, आप अपनी कंपनी का नेम बताइए। इसको हमने बंद कर दिया, इसे भी हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम बताना है। ये तो हमारी कंपनी गायत्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के नाम से है, हमने इसको सेलेक्ट करके कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब शॉर्ट नेम पूछा जा रहा है ना, तो इसका शॉर्ट नेम हमने रख दिया GIT, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट कर लिया इंडिया, स्टेट कीबोर्ड से यू बटन प्रेस करेंगे तो उत्तराखंड आएगा, फिर एक बार यू, फिर एक बार डाउन एरो प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। बात समझ में आया? ऊपर का जो सर्च बॉक्स है आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, हमने लिखा UTTAR, ठीक, उत्तर प्रदेश। देखो अपने आप उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस आपको भरना है, यहाँ पे आप देखिए आपकी कंपनी के लिए जो एड्रेस दे रखा है वो है रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, तो हमने रेलवे स्टेशन रोड को कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ डाल दिया हमने पडरौना, और यहाँ पे डाल दिया डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। पिन कोड बनना है 2743 04। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे CIN नंबर, CIN का मतलब होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN मतलब होता है कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर। देखो ध्यान से CIN का कहाँ पे यूज आता है, जब अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हम कंपनी एक्ट में कराते हैं, ध्यान सुनिए, अगर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हम कंपनी एक्ट में कराते हैं तो हमें वहां पे CIN नंबर की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा ना? अगर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हम कंपनी एक्ट में करा रहे हैं तो हमें वहां पे CIN नंबर की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा ना?
ध्यान से समझिए, छोटे छोटे फर्म के लिए चीज लागू नहीं होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जब रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट में एमसीए के माध्यम से, तो वहां पे उसको सीआईएन नंबर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है आईटी पैन। आईटी मतलब इनकम टैक्स और पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आयकर विभाग के द्वारा जो पैन नंबर आपको दिया जा रहा है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, वो नंबर अपना हमको बताइए। यानी यहाँ पे क्या भरना है, आईटी पैन नंबर आपको भरना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास कोई पैन नंबर नहीं दे रखा है। देखो ये हमारी कंपनी का डिटेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हमारी कंपनी का पूरी डिटेल है। इसमें कहीं पैन नंबर दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो पैन नंबर को निकालने का तरीका सीखिए, अगर जीएसटी नंबर में शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक हटा दिए जाए, तो बीच का जो 10 अंक बचेगा, यही हमारा क्या होगा, पैन नंबर। तो यहाँ से हम शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक हटा देंगे, बीच का जो 10 अंक बचेगा इसको कर लेंगे कॉपी, और यही कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा पैन नंबर। अब ये पूछा जा रहा है वार्ड नंबर, ये एड्रेस वाला वार्ड नहीं है, ये इनकम टैक्स का वार्ड नंबर है। ठीक है, भारत इतना बड़ा देश है, तो आयकर विभाग ने उसको कई सारे सर्किल में बांट रखा है, कई सारे वार्ड में बांट रखा है, कई सारे सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। तो आयकर विभाग ने जो वार्ड नंबर दे रखा है वो आप यहाँ पे भरेंगे, पता है तो वेल एंड गुड, सही है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भरना जरूरी नहीं है। यहाँ भरना आपको टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर आजकल जनरली यूज नहीं होता, तो मोबाइल नंबर आप भर देंगे, ईमेल आईडी उपलब्ध है तो भर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ आपको अकाउंटेंट का नेम भर देना है, बस समझ आ रहा ना। तो हम यहाँ अपनी कंपनी का जो भी अकाउंटेंट होगा उसका नाम डाल देंगे, हमने भर दिया मिस्टर रमेश चंद, ये हो गया क्या अकाउंटेंट। रमेश चंद्र की ईमेल आईडी हमने भरा rc@gmail.com। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं, ये आपके अकाउंटेंट की क्या है, ईमेल आईडी। अकाउंटेंट का मोबाइल नंबर आपको भरना है, ठीक, तो यहाँ अकाउंटेंट का मोबाइल नंबर भर देंगे। आपके फर्म का सीए कौन है उसका नाम डाल देंगे, हमने भर दिया मिस्टर, हमने भर दिया मिस्टर हरि नारायण, ये हमारे सीए हैं, इनका ईमेल आईडी कर दिया hari@gmail.com, इनका मोबाइल नंबर भर दिया, ठीक, एक नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद करेंसी सिंबल, तो अपनी कंट्री में रुपए में लेन देन होता है, आप फीस किस में जमा करते हैं, रुपए में, डॉलर तो जमा नहीं करते, क्यों, तो अपनी कंट्री का करेंसी सिंबल कौन सा है, रुपीज, तो इसको रुपीज ही रहने देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सब स्ट्रिंग है पैसा, रुपए बाद जो सेकंड चीज है वो क्या है, पैसा। उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पूछा जाएगा इनेबल जीएसटी ऑब्लिक वैट। वैट क्या है, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी से पहले यानी जुलाई 2017 से पहले अपने यहाँ वैट चलता था, टैक्स का नाम है वैट, लेकिन बाद में सरकार ने वैट को बदल के जीएसटी लागू कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि आप जीएसटी और वैट को इनेबल करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो, हम करेंगे इसको यस, और यस करने के बाद हमें यहाँ पे भरना है जीएसटी आई एन नंबर। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारी कंपनी का जीएसटी आई एन नंबर ये 15 अंक का नंबर है, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके अगेन हम आके यहाँ पे कर दिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है रेगुलर। अच्छा ये कैसे तो चलेगा कि कोई भी बिजनेस रेगुलर में है कंपोजिशन में, हाँ अच्छा नहीं, लगातार और बेलगातार से कोई लेना देना नहीं, वो रजिस्ट्रेशन की दो स्कीम बनाई गई, नहीं किसी का जीएसटी नंबर देख के हम ये कैसे जान जाएंगे कि वो रेगुलर स्कीम में है या कंपोजिशन में, वो चीज हम पूछ रहे हैं ना। इसको भी चेक करने का टूल्स दे रखा, ध्यान से देखिए, ये कुछ एडिशनल चीजें जो आपको बता दे रहे हैं, आपको जाना है gst.gov.in ना, ये जीएसटी का पोर्टल है, और जीएसटी के पोर्टल पर जाने के बाद सर्च टैक्स पेयर में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च बाई जीएसटी आई एन, सर्च बाई जीएसटी आई एन, जैसे आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी नंबर भरने का। हम 15 अंक का जीएसटी नंबर भरेंगे, एंड यहाँ पे हम भरेंगे कैप्चा कोड, कैप्चा कोड भरने के बाद आपको करना है सर्च के बटन पर क्लिक। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ बिजनेस का नाम आपको दिखाई देगा, और दिखाने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इसका टाइप,
देखो ये कैसा है, रेगुलर, कैसा है, रेगुलर। तो किस किस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में है, इसको आप यहां से आके चेक कर सकते हैं gst.gov.in पर, सर्च टैक्स पेयर में और सर्च बाई GSTIN के आप सब में जाएंगे, यहाँ उस दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, सर्च करेंगे, पता चल जाएगा मालिक कौन है, किस चीज का बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन कब से है, किस स्कीम में रजिस्ट्रेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने क्लियर होगा। बात समझ आ रहा है ना, ये एडिशनल चीज बता रहे हैं जो आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे, हाँ रेगुलर रेगुलर और कंपोजिशन में, ये थ्योरी तुम लोग नहीं पढ़ाया गया क्या जीएसटी का, कौन पूछ रहा है रेगुलर कंपोजिशन में अंतर पूछ रहा कंपोजिशन है? नहीं, कुछ किसी के साथ जोड़ देते, यहाँ सेलेक्ट कर लेना आपको टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर, और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद डिफॉल्ट टैक्स रेट 1, डिफॉल्ट टैक्स रेट 2 को छोड़ देना है। ये किन के लिए वो बता रहे हैं, जैसे मान लो मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान है और सरकार ने कपड़े पर 5% टैक्स दे रखा है, एज्यूम कर, बस मैं, तो हमारे पास एक ही परसेंट का आइटम है, तो हम डिफॉल्ट टैक्स रेट में जाके भर देंगे 5%, या हमारे पास कोई सेकंड आइटम है जिस पर टैक्स कितना है 12%, तो हम एक तरफ 5 भरेंगे दूसरी तरफ 12। तो जब फिक्स है कि हमारे पास दो ही तरीके का आइटम है, एक पे 5 और दूसरे पे 12, तो हम एक में भर देंगे 5 और दूसरे में भर देंगे 12। ये सपोज करो हमारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, हमारे पास सीमेंट पर टैक्स है 28% और सरिये पर टैक्स है 18%, दुई है, बाकी हमारे पास कोई आइटम ही नहीं, बस में आया। तो अब हमारे पास कितने हो गए, केवल और केवल 2 स्लैब वाले आइटम है, तो वहां पे एक में भर देंगे 28, दूसरे में भर देंगे 18। फिलहाल इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद इसको कर देना है सेव। टैली में सेव करते थे कंट्रोल ए से, और यहाँ आप सेव करेंगे F2 से ना, तो बीजी के लिए नोट कर लीजिए, बीजी की सेव करने की शॉर्टकट की है F2। बस मैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे, अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगा, सीखना बहुत आसान है, खाली आप रेगुलर आइए ना, मन से पढ़िए, क्लास में बातें मत करिए, बाकी घोल कर पिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम बीजी आपको घोल के पिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज से बीजी पढ़ा रहे थोड़ी ना, हम लोग बहुत दिन से बीजी पढ़ा रहे, तो घोल के पिलाने की क्षमता है, लेकिन आप लोग रेगुलर आइए ना, की सवाल टाइम से जमा कर दीजिए, जिससे हमारा दिमाग टेंशन में ना रहे, दिमाग हमारा ठंडा रहेगा तो बहुत बेहतर आउटपुट निकलेगा। फीस के लिए कोई झिक झिक पड़ता, हम चाहते हैं 10 बजे 5 पढ़ाएं, 5 ऐसे पढ़ाएं जो टाइम से फीस दे, जिससे अपने मास्टर साहब लोगों को हम टाइम से सैलरी दे, मकान मालिक को टाइम से किराया दे, बिजली का टाइम से बिल जमा करें, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं। हाँ हमको खाली उतना बच्चे रहे, सुकून से पढ़े, सुकून से फीस जमा करें, उनका जॉब प्लेसमेंट हम करा सके, उनका ध्यान रख सके, बस इतना। ऐसा नहीं बड़े बड़े हैं, 50 बच्चे फीस दे रहे हैं, 25 को, 25 को डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, समझ रहे, 1000 जमा कर देना। इसके बाद हमें यहाँ पे करना है सेव, सेव करने की शॉर्टकट की होगी F2, F2 से हमें करना है यहाँ पे सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे किया जाएगा यस। अब अलका सोच रही थी हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमको भी बोलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ प्रोसेस हो रहा है और यहाँ कंपनी आपका बनना स्टार्ट, ठीक। जैसे कंपनी बनेगी, कंपनी की सिक्योरिटी के लिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड भरना है, उसे बोलते हैं सुपर यूजर नेम एंड सुपर यूजर पासवर्ड। तो ये यूजर नेम पासवर्ड आप लगा देंगे तो आपकी कंपनी में कोई भी डेटा ओपन नहीं कर पाएगा, कोई चेंजेस नहीं, मीनिंग जैसे घर से बाहर जाते समय आप घर का गेट लॉक करके जाते हैं, वही कहानी ये है कि बीजी पर काम करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल काम टू क्रिएट अ सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। इसका नाम सुपर यूजर इसलिए है कि अपने अंडर में कई सारे यूजर से बना सकता है, आगे कैसे बनेगा हम बताएंगे, बात समझ आ रहा ना, सुपर यूजर इसका नाम इसीलिए रखा गया कि अपने अंडर में अपने नीचे कई सारे यूजर्स बना सकता है। यहाँ पे आपको करना है ओके, ओके बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे करेंगे यस, और यस करने के बाद यहाँ पे आपको भर देना यूजर नेम पासवर्ड और रिचेक पासवर्ड। तो यूजर नेम ने भर दिया राम, पासवर्ड भर दिया राम, और रिचेक पासवर्ड भर दिया राम,
ठीक है, तो हमने राम राम कर दिया यहाँ पर, बाकी आप लोगों को जो भरना होगा अपने आप भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने कर दिया एग्जिट, ये हो गई हमारी कंपनी बन के तैयार। कंपनी बनने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई देगी, और इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा आपकी कंपनी का नेम, और यहाँ पे दिखेगा फिनेंशियल ईयर। बात समझ आ रहा ना, आपकी कंपनी का नाम यहाँ दिखाएगा, आपकी कंपनी का फिनेंशियल ईयर दिखाएगा, यूजर आपका दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका दिखाएगा, आगे चलते हुए यहाँ पे लोगो लगा देंगे, लोगो लगा देगा ना, और यहाँ पे अपना फोटोग्राफी लगा सकते हैं, दुकान का फोटो लगा सकते हैं, ये सब सेट करना आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, डैशबोर्ड को अपने हिसाब से हम लोग डिजाइन कर लेंगे, डैशबोर्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे। तो ये हो गया लॉगिन होने के बाद। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले स्क्रीन आती है, इसे बोलते हैं डैशबोर्ड, ये बीजी का है डैशबोर्ड। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ बहुत सारे मेनू बने हुए हैं, ठीक, ये देखो कंपनी मेनू है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन मेनू है, फिर मास्टर मेनू है, डिस्प्ले मेनू है, प्रिंट ईमेल है, हाउस कीपिंग है, हेल्प है, फेवरेट्स है, एड ऑन है, ऐसे करके बहुत सारे मेनूज बने हुए हैं। तो इन मेनूज में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका राइट साइड का पैनल है, ये बॉटम बार का पैनल है, इस ये पूरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, ठीक है। कुछ कुछ चीजें चेंजेस हैं, बाकी सब काम जो काम टैली पर होता है वही काम बीजी पर भी होता है, वही अकाउंटिंग हम टैली पे करते तो वही अकाउंटिंग बीजी पर कर लेंगे ना, बीजी सीख लेंगे थोड़ा सा को बढ़ जाएगा, बहुत सारे बिजनेस बिजी को यूज करते हैं। कारण है कि बिजनेस का इन्वेंट्री का पार्ट, सॉरी बिजी का जो इन्वेंट्री का पार्ट है बहुत बड़ा बहुत मजबूत है। जैसे टैली हम सीरियल नंबर से ट्रैक नहीं कर पाते किस सीरियल नंबर का आइटम ने कब खरीदा कब सेल किया, और जबकि बिजी हम उसको ट्रैक कर लेते हैं, वहाँ पैरामीटर्स के ऑप्शन नहीं रखे, सब पैरामीटर्स के ऑप्शन दे रखे। तो जिन बिजनेस को केवल इन्वेंट्री पर ज्यादा फोकस करना है, इन्वेंट्री पर ध्यान देना, वो बिजी उनके लिए बहुत अच्छा है, चलाने में भी आसान है, इसलिए कोई भी सीख लेता कोई भी आसान से यूज करे। बस मैं तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको जाके आप ट्राई करिए, आ गई तो अच्छी बात और नहीं आया तो और अच्छी बात, फिर कल बताया जाएगा, कौन सी दिक्कत रहेगी ना, टेप रिकॉर्डर का बटन दबा देंगे फिर प्ले हो जाएगा, फिर चलेगा 20 मिनट 40 मिनट चलता रहेगा, हाँ फिर से बटन दबा देंगे फिर चालू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हम कर ही रहे, रिकॉर्डिंग दे ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट इसके भी साथ भी देंगे, नोट्स वगैरह लिखवा देंगे ना, क्योंकि नोट्स हमारे पास पुराना है अपडेटेड है नहीं, बोल बोल के लिखवा देंगे सबसे बेटर है, ठीक है। बात समझ आ रहा ना विश्वजीत, रेगुलर आया करो। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो रही है, आप लोग पढ़ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ने आते रहिए।